पूजा में धूप का इस्तेमाल करना चाहिए या अगरबत्ती का? धूप का करना चाहिए। धूप का सारे बच्चा लोग बोलो राम चंद्र जी की। धूप का इस्तेमाल चलो राम जी के दर्शन हो जाए। पता था आपने दुविधा काफी है, इसका समाधान कर दिया है। अब हनुमान जी आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे, कौन सी दूध हमें खरीदनी चाहिए, थोड़े दूध खरीदने में थोड़ा कमी हो रहा है, आप उनके प्रश्न का थोड़ा उत्तर दीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। बोलिए जय बोले राम। जय हनुमान जी। जय श्री राम। तो आप दोनों लोग धूप बत्ती खरीदने के पक्ष में हैं, ऐसा कौन सी धूप बत्ती, कौन सी कंपनी की धूप बत्ती खरीदते हैं आप? आप जब प्रयोग करते हैं कौन सी कंपनी का धूप प्रयोग करते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ तो चंदन ही है। चंदन चंदन कोई कोई नाम हो जैसे धूप बत्ती है, चंदन धूप बत्ती। अच्छा, क्या मतलब उसमें ऐसा क्या खास है कि आप हर बार वही प्रयोग करते हैं? सही सब समाइल है उसमें, इतना वो नहीं है कि उन लोग बदबू आए, मतलब समाइल आते हैं उसमें, स्मेल अच्छी है। तो खरीदने जाते हैं तो आप स्वयं जाते हैं, आपके घर से कोई आए तो महिला लोग स्वयं ही जाते हैं? आप खुद ही लेकर कितनी बार प्रयोग होता है धूप का पेड़ में? सुबह शाम या सुबह सुबह सब दोनों लोग आएंगे? बहुत जरूरी, हम लोग का बहुत ज्यादा पैसे नहीं है राम जी के पास वनवास में, तो बहुत महंगी तो नहीं आती धूप बत्ती का एक डब्बा? कितने का पड़ेगा? 5 रुपए में हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।